अस्सलाम वालेकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल जमा सोयम मज़मून उर्दू माह जनवरी दूसरा हफ्ता। बच्चों, दूसरे हफ्ते में जो आपका काम है वो है हरूफ और उनका इस्तेमाल, जो आपकी बुक में पेज नंबर 22 पर मौजूद है। हरूफ वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो किसी भी जुमले को मुकम्मल करके उसे बामायने बनाते हैं। ये अल्फाज खुद बेमायने होते हैं मगर इसम और फेल के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल करके बामायने बनाते हैं। हरूफ की चंद अकसाम दर्ज ज़ैल हैं: हरूफ जार, हरूफ अतफ, हरूफ इल्लत। हरूफ जार वो हरूफ जो इसम को फेल के साथ मिलाते हैं। हरूफ जार प्रीपोजिशंस कहलाते हैं, मसलन साथ, से, मैं, पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, तक, पर, अंदर, बाहर वगैरह। मसलन, मेज़ पर गुलदान रखा है, कुर्सी के नीचे टोकरी है, मुझसे बात करो, ये हरूफ जार हैं। अब है आपके पास हरूफ अतफ, वो हरूफ जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं उन्हें हरूफ अतफ कंजंक्शन कहते हैं। मसलन और, वाव, भी, कर, फिर, नेज, के वगैरह। मसलन, पांच आम लो और उन्हें काट लो, पहले खाना खाओ फिर कोई दूसरा काम करो, मैं होमवर्क मुकम्मल करके सो जाता हूँ। उसके बाद है हमारे पास हरूफ इल्लत, वो हरूफ जो किसी बात की वजह या सबब बयान करने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हरूफ इल्लत कहा जाता है। मसलन, चूँकि, अगरचा, इसलिए, क्योंकि, चुनाचा, लिहाजा, ताकि वगैरह। मसलन, वो घर वापस आ गया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, उसकी बात दुरुस्त थी लिहाजा मैंने मान ली, कल स्कूल जाना है इसलिए मैं आज जल्दी सो रहा हूँ। ये हरूफ की इकसाम है: हरूफ जार, हरूफ अतफ, हरूफ इल्लत। उनकी तारीफें लिखी हुई हैं जो इनको आपको पढ़ना है और समझना है, और इसके बाद की जो किताब में एक्सरसाइजेज हैं वो आपको किताब में ही हल करनी है। हमारे पास मश्क अलिफ है पेज नंबर 23 पर। दिए गए हरूफ जार की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। हरूफ जार आपके पास मौजूद है: से, मैं, पर, तक, ऊपर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर। मैंने इनसे ये फिलिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट की हुई, इनकी मदद से आपको भी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। नंबर वन, आपसे मिलकर खुशी हुई। नंबर टू, दरख्त की शाख पर मैना बैठी है। नंबर थ्री है, वो कमरे के अंदर मौजूद है। नंबर फोर है, आप देर तक क्यों जाग रहे हैं। नंबर फाइव है, इस अलमारी के ऊपर क्या रखा है। मश्क बे है, मौजू हरूफ अतफ मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। आपके पास दो दो लिखे हुए हरूफ अतफ ऑप्शन है आपके पास, जो सही ऑप्शन होगा उसको हम पढ़कर और उससे अपनी खाली जगह मुकम्मल करेंगे। नंबर वन है, अली और अकबर सगे भाई हैं। नंबर टू है, तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो। नंबर थ्री है, वो भी बाजार चले गए हैं। नंबर फोर है, ये जवाब अपनी कॉपी में लिखिए फिर कॉपी रख दीजिए। नंबर फाइव है, बहरुबर का मालिक अल्लाह ताला है। मश्क जीम है, दुरुस्त हरूफ इल्लत की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे भी आपको दो दो हरूफ इल्लत दिए हुए, जो सही ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए हमें ये परिंदा बैंक सॉल्व करनी है। नंबर वन है, हम स्कूल जाते हैं ताकि तालीम हासिल कर सकें। नंबर टू है, आलिया जल्दी सो गई ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके। नंबर थ्री है, आज छुट्टी है क्योंकि इतवार का दिन है। नंबर फोर है, दोपहर का वक्त है चुनाचा गर्मी ज़्यादा है। नंबर फाइव है, तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है लिहाजा तुम जा सकते हो। इनको आपको इसी तरह से अपनी किताब में हल करना है, उसको पढ़ना है और समझना है। इसमें जो हमने हरूफ जार, हरूफ अतफ, हरूफ इल्लत यूज़ किए हैं उसको आपको किस तरह से यूज़ करना है।